चलिए महाराणा प्रताप के बाद अब अपन ले रहे हैं अमर सिंह, ठीक है, जो उसका बेटा है अमर सिंह वो सेनापति भी था। महाराणा प्रताप ने गद्दी किसको संभाला दी जाते समय? अमर सिंह को, ठीक है, यानी वो शासक बन गया अमर सिंह, ठीक है। तो देखो अकबर की मृत्यु के पश्चात, यानी अकबर की मृत्यु हुई उनके पश्चात दो इनके बेटे थे जहांगीर, ठीक है, और शाहजहां। शाहजहां को खुर्रम भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों बेटे थे, ठीक है ना। जहांगीर अकबर का बेटा था और शाहजहां क्या जहांगीर का बेटा था। तो उनकी मृत्यु हो गई तो फिर जहांगीर का चल गया, जहांगीर दिल्ली का शासक बन गया, ठीक है। जहांगीर ने शाहजहां को मेवाड़ के लोगों को क्षति पहुंचाने के लिए, आप देखो जहांगीर की नजर कहां पड़ रही है, यानी मेवाड़ पर पड़ रही है। मेवाड़ में कौन है अभी? अमर सिंह, ठीक है। तो शाहजहां को मेवाड़ के लोगों को क्षति पहुंचाने के लिए कहा, यानी वहां पर युद्ध करने के लिए कहा शाहजहां ने। तो 5 फरवरी 1615 को अमर सिंह और शाहजहां के बीच संधि हुई। कारण क्या था? अमर सिंह और शाहजहां के युद्ध तो किया नहीं शाहजहां ने, वहां के लोगों को जो निर्दोष लोग उनको क्षति पहुंचाने लगा। तो उनके जैसे घरों को आग लगा देना, उनके धन को लूट लेना, जो मतलब इस तरह से काम करने लगा। तो इस चक्कर में अमर सिंह ने क्या कहा कि अपने उनसे संधि कर लेते। और अमर सिंह शाहजहां से संधि करता है तो उसमें महत्वपूर्ण बातें होती है, बस एग्जाम में यही महत्वपूर्ण बातें एग्जाम के लायक है। संधि करता तो देखो संधि की तीन शर्तें हैं, संधि की तीन शर्त रखता है। कौन से रखता है? अमर सिंह ने कहा मुगलों के कोई भी दरबार, मुगलों में कोई भी दरबार में नहीं जाऊंगा, यानी अमर सिंह खुद मुगल दरबार जो भी लगेगा, मुगल दरबार जो भी लगेगा उसमें मैं नहीं जाऊंगा। तो उसमें किसको भेजेंगे? वो उसका पुत्र है कर्ण सिंह, उसको ही भेजा जाएगा, यानी खुद नहीं जाएगा वो, क्योंकि वो क्या है अपना एक सम्मान के चक्कर में कि मेरा सम्मान है, मैं नहीं जाऊंगा वहां पर जो भी मुगल दरबार लगेगा, ठीक है ना। और देखो आप ध्यान होगा तो अकबर सभी शासक को बुलाता था, अधीन करता था, जो मेन शासक होता उन्हीं को बुलाता था। जैसे मान सिंह का छावा भी जाता था उसके दरबार में, पर अमर सिंह ने मना कर दिया मैं नहीं जाऊंगा, तो ये शर्त मान ली, ठीक है। दूसरी शर्त क्या थी? मेवाड़ के दुर्ग पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कोई भी मरम्मत का काम कोई भी मुगल नहीं करेगा, करेंगे तो हम ही करेंगे। मेवाड़ के दुर्ग पर कोई भी मुगल के लोग यानी जहांगीर कोई भी उसमें मरम्मत नहीं करा पाएगा। तो ये शर्त भी मान ली कि वो कौन कौन कराएंगे, बस मेवाड़ का शासक अमर सिंह ही करा सकता है इसके अंदर, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है, तीसरी शर्त थी मुगल सम्राट की, जो तीसरी शर्त थी वो क्या थी कि मुगल मेवाड़ के लोगों से शादी नहीं करेगा, यानी मुगल जो राजपूत होते हैं वो कभी भी किसी भी अन्य जाति में शादी करने के खिलाफ होते, और मुगल के तो कुछ ज्यादा ही खिलाफ थे, तो वो इसमें कोई भी शादी नहीं करेगा, कोई भी संबंध नहीं बनाएगा। तो मतलब कहने का मतलब है कि इस ये तीन शर्तें रखेगी, ठीक है। तो ऐसा अपन कह सकते हैं, एक क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा प्रथम शासक जिसने मुगलों से संधि करी परंतु अधीनता स्वीकार नहीं करी वो कौन है? अमर सिंह, ठीक है। ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में बन सकता है। तो इतना ही, इनके तीन पॉइंट है, संधि से संबंधित है तीन पॉइंट। तो देखो ध्यान रखना, अकबर 1605 ईस्वी में देहांत हो गया था अकबर का, उसके बाद जहांगीर आया, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, ठीक है। दोनों यहाँ पर मेन जो दिल्ली का जो शासक बना वो कौन बना? जहांगीर बना। तो तीन शर्त इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अमर सिंह के बाद जो शासक बनता है कर्ण सिंह बनता है, कर्ण सिंह उसका बेटा था अमर सिंह का, ठीक है। अमर सिंह का बेटा कर्ण सिंह था, वो शासक बनता है। कर्ण सिंह जब अधीनता स्वीकार करता है, अधीन मतलब एक तरह से वहां पर जाता है उनके दरबार में, तो उससे खुश होकर जहांगीर उसको कितनी मनसबदारी देता है? 1000 मनसबदारी देता है उपाधि में, ठीक है ना। उसके कामकाज से वगैरह से सबसे खुश होकर उसको क्या करता है? मेवाड़ के राजा के रूप में 1000 मनसबदारी देता है। मनसबदारी का मतलब ये होता है कि उसको घोड़े, सैनिक वगैरह सारे चीजें मिलती है, पूरी सुविधा मिलती है, पूरी एक सेना दी जाती है कि वो उससे कभी भी कोई युद्ध करना हो तो वो युद्ध कर सके, ठीक है ना। तो इस तरह की दी जाती है, तो कर्ण सिंह को ये देता है, ठीक है। कुछ समय बाद जहांगीर का थोड़ा झगड़ा हो जाता है अपने बेटे से शाहजहां से, तो वो शाहजहां नाराज होकर कहां आ जाता है? नाराज होकर कर्ण सिंह के पास आता है। तो पहले तो कर्ण सिंह उसको शाहजहां को दिलवाड़ा का जैन मंदिर पर शरण देता है, छिपाता है,
उसके बाद जो पिछोला जिल पर जो जगमंदिर बन रखा है, पिछोला जिल पर जो जगमंदिर बन रखा है वहां पर उसको शरण देता है, ठीक है। पिछोला जिल पर जो जगमंदिर बन रखा है वहां पर शरण देता है वहां पर, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है ना। तो कर्ण सिंह की जो है, कर्ण सिंह जो हेल्प करता है वो किसकी करता है, शरण किसको देता है, वो शाहजहां को देता है। शाहजहां इसी को, जगमंदिर को देखकर ही ताजमहल बनाया है, यानी इस जगमंदिर की सुंदरता देखकर वो कहता है कि इतना अच्छा, मतलब कह सकते दुर्ग है कितना अच्छा वो है, तो उसको देखकर ही वो ताजमहल को बनाने के लिए सोचता है। यहाँ पर ठहरता है तो ताजमहल की जो संज्ञा मिलती है इसको देखकर ही मिलती है उसको, तो शाहजहां को, ठीक है। इसके कर्ण सिंह के बाद जगत सिंह आता है। एक्चुअल में जगमंदिर का काम पूरा नहीं होता है, जगमंदिर का काम पूरा कर्ण सिंह करा नहीं पाता है, इसका जीर्णोद्धार जो करवाता है जगत सिंह करवाता है, इसलिए इनका इसका जो शेय जाता है वो जगत सिंह को जाता है। इसके अंदर जो भीलवाड़ा का जो सॉरी जगमंदिर और जगनिवास जो बने हुए हैं वो जगत सिंह प्रथम, ये प्रथम वाला जगत सिंह प्रथम है, ये जगत सिंह प्रथम, ठीक है। जगमंदिर का नाम का काम पूरा करवाया किसने करवाया, ठीक है ना, जगत सिंह प्रथम ने करवाया है। जब ये मंदिर बना तब मंदिर नहीं है, एक तरह से अपन कह सकते महल है, महल के रूप में मंदिर है। तब खुश होकर शाहजहां ने जगत सिंह की प्रथम को प्रतापगढ़ की जागीर दी, मतलब प्रतापगढ़ या मेवाड़ की एक जागीर दी किसको, खुश होकर जगत सिंह प्रथम को, कौन ने दी, शाहजहां ने, क्योंकि इतना अच्छा लगा शाहजहां को ये, ठीक है ना। जग मंदिर जगत सिंह प्रथम के बाद जो शासक बनता है वो बनता है राज सिंह, ठीक है, राज सिंह बनता है। राज सिंह ने क्या क्या काम कराए, बड़ा धर्म के लिए बहुत कुछ काम कराए, उसने खूब मंदिर बनाए, मंदिर से नाम से जानते हैं कि उसने कई महल बनाए हिंदू धर्म के। तो इन्होंने गोमती नदी को रोककर राजसमंद, देखो राज सिंह यानी राजसमंद झील का निर्माण कराया, ठीक है। अब देखो इस झील का एक मतलब इंपॉर्टेंट चीज, जब झीले का वीडियो देखोगे तो उसमें सारी डिटेल भी आ जाएगी, फिर भी बता देता हूँ। कौन सी नदी को रोककर, यानी गोमती नदी को रोककर, यानी उसमें सारा पानी किसमें गिरेगा, राजसमंद झील में गिरेगा गोमती नदी का, ठीक है। अब इस झील के अंदर उत्तरी भाग में 9 चौकियां बनाई गई है, ठीक है। तो इन 9 चौकियों, प्रत्येक चौकी पर तो पूरा पूरा मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है, ऐसे इसमें कितना शिलालेख लिखे हुए, 9 चौकियों पर 25 शिलालेख लिखे हुए हैं, ठीक है। ये जो शिलालेख लिखे वो किसने लिखे, रणछोड़ दास भट्ट ने लिखे। अब ये रणछोड़ दास भट्ट को एक प्रशस्ति मिली इसको लिखने के, वो कहलाती है राज प्रशस्ति। रणछोड़ दास को कौन सी प्रशस्ति मिली है, राजप्रशस्ति, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने। और जो ये जितने भी शिलालेख लिखे हैं वो जो लिखे हैं वो संस्कृत भाषा में, जो लैंग्वेज थी उसकी वो कौन सी थी, संस्कृत लैंग्वेज में। और एशिया में सबसे बड़ा शिलालेख के नाम से जाना जाता है, यानी मेवाड़ का जो इतिहास लिखा गया है, कहाँ लिखा गया है, राजसमंद झील में, तो वहां पर लिखा है। अलग अलग 9 चौकियां बनी हुई है, झील के पास नीचे उतरने पर, झील के पास पहुंचने पर 9 चौकियां पर जाना पड़ता है, 9 चौकियां पूरा मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। तो इसमें बहुत अच्छा सुंदरता के साथ में ये काम किया गया है, ठीक है, राज सिंह ने। राज सिंह के काल में दिल्ली का शासक कौन था, औरंगजेब। औरंगजेब अब देखो कितना काम खराब करता है, इसका काम क्या होता है, सबसे पहले इसने औरंगजेब ने क्या लगा दिया, जजिया कर लगा दिया, ठीक है। अब इसका विरोध किसने किया है, विरोध किया किसने, राज सिंह का। अब नेचुरल बात है, जब राज सिंह विरोध करेगा दुश्मन किसका बन जाएगा, औरंगजेब का बन जाएगा, ठीक है। राज सिंह ने अब देखो कारण क्या था विरोध कर, एक तो ये तो जजिया कर हो गया, इससे दुश्मनी बनी, और 2-3 कारण थे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दूसरा कारण था किशनगढ़ की राजकुमारी थी, किशनगढ़ की राजकुमारी रूप की पुत्री थी चारुमती। चारुमती से किशनगढ़ का जो शासक था वो चारुमती का विवाह किससे करना चाहता है, औरंगजेब से। कारण क्या था, औरंगजेब क्या करता है, हिंदू देवी देवता का मंदिर तोड़ना स्टार्ट कर देता है, तो उससे परेशान होकर किशनगढ़ का जो रूप सिंह शासक है वो उससे विवाह करने के लिए कि मत तोड़ो इस मंदिर को, मैं आपकी जो मेरी पुत्री है उससे विवाह कर दूंगा, तो वो इससे राजी हो जाता। पर चारुमती कट्टर हिंदू होती है, चारुमती
कट्टर हिंदू होती है वो किससे शादी कर लेती है, वो किससे कर लेती है, राज सिंह से शादी कर लेती है। तो आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो दूसरा कारण क्या हो गया दुश्मन का, राज सिंह से शादी कर लेती चारुमती। एक एक होता है कि जो जजिया कर लगाते उससे, ठीक है। दूसरा कारण क्या होता है कि इसके वो हिंदू देवी देवता के मंदिर तोड़ता, तो इसी तौर से वो राज सिंह मंदिर बनाना स्टार्ट कर देता। जैसे श्रीनाथ का मंदिर, श्रीनाथ का मंदिर कहा नाथ द्वारा के अंदर राजसमंद में, ये भी राज सिंह ने बनवाया। अंबा माता का मंदिर भी बनाया राज सिंह ने उदयपुर में, द्वारकाधीश जो फेमस है, ये बड़े बड़े फेमस मंदिर जो बनाए हैं वो सारे राज सिंह के हैं, वो काम करोली राजस्थान में है। तो इससे भी वो नाराज हो रहा था कि वो अपना शासन बढ़ाते जा रहा है, मंदिर इस तरह से बड़े भव्य मंदिर बनाते जा रहे हैं, यानी उस वो। और इसके साथ साथ राज सिंह के साथ दो और शासक आ जाते, दुर्गादास और अजीत सिंह। ये तीनों कट्टर होते हैं औरंगजेब के। कारण क्या होता है, औरंगजेब की वो मंदिर तोड़वाने का काम करता है, गंदा काम करना स्टार्ट कर देता है। तो देखो इसमें क्या होता है कि राज सिंह, दुर्गादास और अजीत सिंह तीनों औरंगजेब के कट्टर होते हैं। अब ये क्या कहते हैं, जो औरंगजेब का बेटा होता है अकबर, ठीक है, औरंगजेब का बेटा दूसरा अकबर है ये, ठीक है, अकबर होता है, उसको राजगद्दी का लालच दे देते हैं कि तुम हमारी साइड हो जाओ, अपनी ओर मिला लेता है। तो औरंगजेब एक चाल खेलता है, कूटनीति खेलता है कि यार मेरा बेटा उनको वो भी साइड में कर लिया उन्होंने, तो एक कूटनीति खेलता है। एक चिट्ठी डालता है राज सिंह के खेमे और दुर्गादास के खेमे में, और उस चिट्ठी में जाली चिट्ठी होती है कि उसमें लिखता है, बेटा हो तो तेरे जैसा, जिसने मेरे दुश्मनों को एक ही मैदान पर ले आया, वो सुबह होते ही तू हमारी सेना में शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको मतलब युद्ध करने के लिए उसने क्या राजनीति खेली उनको, देखो तीनों एक साथ है, तीनों एक साथ अगर उससे लड़ेंगे औरंगजेब से तो औरंगजेब को हरा देंगे। तो वो क्या कर रहे हैं इसमें, खेमे में अलग अलग कर रहे हैं, उसको कह दिया इस तरह से, मतलब दोनों में लड़ाई कराना चाह रहा है इस तरह से। जब सुबह जब अकबर जो औरंगजेब का बेटा उठता है, तो राज सिंह और दुर्गादास दोनों उसके खेमे से चले जाते हैं, वो अकेला पड़ जाता है। तो वो देखता है कि ये अकेला कैसे पड़ गया मैं, तो वो देखता है कि वैसे राजपूत धोखा तो नहीं देते हैं। तो वो अकबर क्या होता है, राज सिंह के पास जाता है, तो राज सिंह कहता है कि तुमने मुझे धोखा दे दिया औरंगजेब के साथ, अब मिल गया। तो उसने कहता कि नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, ये मेरे पिताजी की ये चाल है, तो अभी भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी कोई मरा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ युद्ध, अभी भी मैं आपकी साइड हूँ, तो चिंता नहीं करे आप, हम तीनों साइड है। तो इससे क्या होता है कि वो मतलब तीनों वापस इकट्ठा हो जाते हैं, और इस तरह से ये क्या हो जाता है, मतलब युद्ध करते हैं, तो इसमें जीते विजय इन्हीं की होती है, यानी अपन कह सकते हैं औरंगजेब की यहाँ पर कूटनीति क्या हो जाती है, विफल हो जाती है, ठीक है ना। कुछ समय बाद राज सिंह की मृत्यु हो जाती 1680 में। उसके बाद जो शासक बनता है उदयपुर का जय सिंह बनता है, ठीक है, मेवाड़ का शासक जो बनता है कौन बनता है, जय सिंह। अब देखो जय सिंह अपने नाम से जय सम्बन्ध झील बनाई, ठीक है, उसका जो प्राचीन नेम क्या है, देवर झील, प्राचीन नेम यानी पुराना नाम क्या था उसमें, देवर झील। अब इसमें क्या होते कृत्रिम, ये एक तो सबसे अपन कह सकते हैं भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की, भारत की कह रहा हूं मैं आपको, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है, ठीक है ना, कृत्रिम झील है। और दूसरा इसमें क्या 7 टापू बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इसमें से पूछे जाते हैं, 7 टापू बने हैं। सबसे बड़े टापू का नाम क्या, बाबा का भांगड़ा, ठीक है, और छोटे टापू का नाम क्या, प्यारी। देखो छोटे लोगों को सब प्यार करते थे, ऐसे याद रख लेना प्यारी और बाबा का भांगड़ा। इस झील के निर्माण के साथ साथ दो नहर भी बनवाई इसने, नहर बनाई श्याम नहर और भाट नहर, दो नहर निकाली इस झील में से जो सिंचाई के लिए बनी है, श्याम नहर और भाट नहर, ठीक है। अब देखो थोड़ी सी स्टोरी सुना देता हूँ, एग्जाम में आएगी नहीं फिर भी मैं सुना देता हूँ। जय सिंह क्या करता है कि अकबर की में शामिल हो जाता, सॉरी औरंगजेब में शामिल हो जाता है, औरंगजेब की साइड हो जाता है, ठीक है। तो इसका बात का पता किसको चलता है, दुर्गादास को पता चलता है।
तो अब नेचुरल दुर्गादास औरंगजेब अकबर को मारेगा, तो अकबर को लेकर दुर्गादास कहां चल जाता, मारवाड़ चला जाता है। कहां चला जाता है अकबर को लेकर, कहां चल जाता है अकबर जो बेटा यहां पर रहता, जब जय सिंह मिल जाता तो दुर्गादास को पता चलता है, तो वो अकबर को कहां ले जाता है, मारवाड़ ले जाता है। तो औरंगजेब मारवाड़ में भी पहुंच जाता है, मारवाड़ में पहुंच जाता तो फिर वो कहां, दुर्गादास कहां ले जाता है, मराठा, मराठा जो संभाजी है, तो दुर्गादास संभाजी के पास छोड़ देता है अकबर को, पर औरंगजेब पीछे करता है, वहां भी पहुंच जाता है अकबर, परेशान होकर कहां चल जाता है, पारस चल जाता है, पारस चल जाता है, और पारस में ही वहां पर ही उस वहां पर ही बस जाता। केवल ये स्टोरी एग्जाम में नहीं आएगी, बस मैं आपको बता रहा हूं कि अकबर का क्या हुआ, अकबर कहां चल जाता है, अंतिम समय में पारस चल जाता है, यानी मारवाड़ भी गया और संभाजी जो मराठा जो होते हैं वहां भी गया, उसकी जन्म छोड़ता, वहां भी औरंगजेब पहुंच जाता, तो वो कहां चल जाता, पारस चला जाता है। ठीक है, आगे समझ में आपको। चलिए अब देखो इसके बाद कौन बनता, अमर सिंह द्वितीय बनता है शासक जय सिंह के बाद। ठीक है, अब इसमें क्या होता, औरंगजेब के चार पुत्र होते हैं, चार पुत्र होते हैं, पहला होता मुज्जम होता, दूसरा आजम होता, तीसरा होता कामबख्श होता, और चौथा है शहजादा अकबर। अब अकबर तो आपको पता हो गया, ये तो फारस चल गया, ठीक है, अकबर तो फारस चल जाता है। दूसरा कामबख्श को कोई राजनेता से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, बचे दो मुज्जम और आजम। मुज्जम और आजम शासक बनने के लिए, मेवाड़ का शासक बनने के लिए दोनों झगड़ते हैं, दोनों झगड़ते हैं मेवाड़ का शासक बनने के लिए। इनका उत्तर प्रदेश में युद्ध भी होता है जाजुओं के मैदान में, जाजुओं के मैदान में युद्ध भी होता है, ठीक है, यूपी के अंदर। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता, इसका फायदा कौन उठाता है, उसका फायदा क्या उठाता, दुर्गादास क्या करता है, मेवाड़ का शासक किसको मना देता, मेवाड़ और मारवाड़ दोनों को, दोनों का शासक किसको बना देता, अमर सिंह द्वितीय को मेवाड़ और मारवाड़ का शासक बना देता है। ठीक है, यानी मुज्जम और आजम को हटाकर मेवाड़ का शासक कौन बन जाता है, अमर सिंह द्वितीय बन जाता है। ठीक है, अमर सिंह द्वितीय और जय सिंह के बीच में देवारी समझौता होता है। देवारी समझौता क्या होता है, ये देवारी समझौता इंपॉर्टेंट है। अब देखो समझौता क्या होता है, अमर सिंह ने अपनी पुत्री चंद्रावती का शादी किससे करती है, वो जय सिंह से करती है। ठीक है, जय सिंह से करती है, और अमर सिंह कहता है कि आपका जो भी भावी पुत्र होगा वो आमेर का शासक बनेगा। ठीक है, इसके बाद संग्राम सिंह और भीम सिंह आए, यानी मेन इंपोर्टेंट अमर सिंह तक था, इसके बाद जो नए शासक आए वो संग्राम सिंह और भीम सिंह आए, इनका इतना रोल नहीं था। ठीक है ना, तो इस तरह से अपना कंप्लीट मेवाड़ हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, इसमें से आपके क्वेश्चन सारे अड़ जाएंगे, कहीं बाहर से नहीं जाएंगे आपके क्वेश्चन। ठीक है, इसके मैं आपको एमसीक्यू भी लेकर आऊंगा, पूरा मेवाड़ के जितने भी एमसीक्यू लेकर आऊंगा, एमसीक्यू से अपना क्या होगा पूरी क्लियर हो जाएगा, सब कुछ आएगा। तो स्टोरी से क्या होता है, ट्रिक याद रहती है, ये याद रखना, इसके चार बेटे कौन से, मुज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर, शहजादा अकबर। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, अपने दोस्तों को जरूर बताएं। ये सब पटवारी में बहुत महत्वपूर्ण है, हाईकोर्ट में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है।